हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सभी लोग? सब अच्छे होंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके यहाँ भी बढ़ गई होगी। यहाँ जो है ना, कल से धूप नहीं आई है, बहुत ठंड लग रही है। तो अभी कपड़े धोए और उसके बाद दूध गर्म हो रहा है, बर्तन धोए, तो इसलिए मैंने स्वेटर निकाल दी थी और ये हाफ वाली ना, ये वाली पहन ली थी, क्योंकि फिर आस्तीन गीले हो जाते हैं ना बाजू स्वेटर के। तो अभी मैं अपने बालों पे कंघी लगा रही हूँ, तो थोड़ा सोचा थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और उसके बाद मैं स्वेटर पहनती हूँ और करती हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, 11:30 होने वाली है। और सुबह नाश्ता करके भी नहीं गए थे, एक एक रोटी खाई थी गौरव ने और पीयू ने, पर आते तो भूखी गई थी। और ये देखिए मेरे बाल भी ना बहुत सारे वाइट होने लगे हैं। सोच रही थी मैं मेहंदी लगाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड लगाने नहीं देते। वो बोलते ना कि नहीं लगानी, अभी तो बहुत कम बाल हैं वाइट, और अगर मेहंदी लगाओगे ना तो जो हैं भी ब्लैक वो भी वाइट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि मेरे भी बहुत कम थे उस समय जब मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था, बहुत कम बाल वाइट थे, लेकिन जैसे ही कलर लगाया बालों पे ना, तो जो काले थे वो भी सफ़ेद हो गए। तो कह रहे मत लगा अभी से, कोई बात नहीं, बहुत कम है। इसलिए मैं कई बार सोचती हूँ लगाने की, फिर नहीं लगाती हूँ। और चलिए, व्लॉग में बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हैं स्कूल से, 11:30 हो गए हैं, और अभी ये मेरे पिवरानी पहुंच गई। दांत देखो इसका, दांत टोपी निकाल दी। गर्मी हो रही थी क्या? कैसे गया पेपर? अच्छा गया, मैंने पोएम सुनाई, मैंने अच्छा था। कौन सी वाली पोएम सुनाई? बादल भैया बहुत हुआ। और कौन दूसरी, कौन सी? और पोएम हमने कहा एक पोएम सुनानी है। एक ही सुनाई थी ना, मैंने मेरी किताब भी सुनाई। और राइटिंग? राइटिंग भी लिखी। लिखी मतलब अच्छा गया पेपर? टेस्ट भी अच्छा गया पेपर। हाँ, अब पता चलेगा बेटा जब रिजल्ट आएगा। और ये देखो मैं बात कर ही रही थी तब तक पियो आ गई। और भैया नहीं आया अभी? वो स्कूल में है। अच्छा, आपके लिए पानी गर्म हो रहा अभी? आप नहीं नहीं करोगी तो पीहू को नहलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और पीहू आ गई थी नहा के, और मैं उसे कपड़े पहना रही थी। तो बच्चों का ये होता ना, मैंने जो पजामे निकाली थी ये वाले जो मेरे हाथ में है, तो वो बोलने लगी कि नहीं ये वाली नहीं पहनूंगी मैं, जो कल लेके आए ना नहीं वो पहननी है। तो उस मुँह देखो उसका कैसा बन रहा था, तो मैं वही वाली पहना रही हूँ जिसको वो बोल रही है। तो इनके बहुत नखरे होते हैं, सभी बच्चे ऐसे होते हैं, नहाने के बाद जो है उनकी पसंद के कपड़े ना पहनाओ। जब तक छोटे हैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी पहना लो, लेकिन बाद में जो है ना बहुत परेशान करते हैं। तो ये पीहू ज़्यादा ही है, उस अपनी ही मर्ज़ी के पहनते हैं, चाहे वो उस ठंडा हो या गर्म हो। जैसे आजकल भी ना गर्मी में मैं गर्म कपड़े पहनाऊँ और वो उसके पसंद करें तो बहुत परेशान करती है। तो अब हो गई थी खुश, उसके बाल पोंछ लो और उस पर मैं स्वेटर पहना लूँ। और इसको नहलाने के बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो सुबह नहीं नहाई थी क्योंकि कल से जो है धूप बिल्कुल नहीं है, बहुत ठंडा है मौसम, तो सुबह नहा के कोई भी नहा के नहीं गया था। अभी आए हम बुद्ध मार्केट से, और मैं लाई तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा एक दो जोड़ी कपड़े लाई इनके लिए, बच्चों के लिए। और मैं जो भी लाई मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या ली गई। ये पीहू के लिए ली आई पजामी, अभी पहनी थी उसने, एकदम साइज फिट आ रहा है। दोनों के लिए लाए एक साइज का, ये गौरव के लिए और पीयू के लिए। और इसके बाहर से कोई लोवर डाल दो या पैंट या कुछ भी पहन लो तो सही रहता गर्म। फिर ये तो इन दोनों के लिए लाई, और दोनों भी साथ में गए थे, गौरव भी गया था और पीयू भी गई थी। ये दोनों के लिए अलग अलग कलर में लेके आए। और ये लेके आए गौरव की रजाई के लिए। इसके पास जो रजाई ना उस पर जो कपड़े का बहुत पहले होता था ना एक जो कवर होता है रजाई का वाइट कलर का, तो वो वाला है, तो वो ठंडा लगता है वैसे, बहुत मजबूत होता है काफ़ी साल से वो कवर। बच्चे थोड़ा जल्दी भी गंदा कर लेते और ठंडा भी होता, तो उसकी रजाई के लिए ये वाला कवर लिया है। इनके तो एक तो चैन इनकी फ्री हो जाती है, दूसरा इनसे जो है ना ये रेसे रेसे से निकलने लग जाते हैं। वो वाइट वाले अच्छे होते लेकिन होते क्या, वो गर्म नहीं होते हैं। आजकल ठंड बढ़ गई ना तो वो ठंडी लगती है रजाई, चाहे अंदर से कितनी मोटी रजाई भी है फिर भी वो ठंडी लगती है। तो इसको अभी
पहनाएंगे गौरव की रजाई पे, इसकी रजाई के लिए। और प्राप्ति घर में ही थी, वो नहीं गई हमारे साथ, वो कहीं भी नहीं जाती, वो पढ़ाई कर रही थी। ये है ज़्यादातर से इसी को लेने के लिए गए। और एक मैं अपने मोबाइल के लिए कवर लेके आई, काफ़ी दिन हो गए थे मेरे मोबाइल को बिना कवर के ऐसे ही, तो कवर नहीं था उस पर, तो उसके लिए कवर ले आई। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मोबाइल का कवर था। तो ऐसा होता है जब हम कहीं भी जाते हैं, कुछ एक दो सामान और आ ही जाता है। और ये है मेरे हस्बैंड के लिए, देखिए ये भी काफ़ी गर्म है। ये तो आज नहीं लेके आए, ये लाए थे हम परसों, इनके लिए परसों लेके आए थे। काफ़ी गर्म में है ये भी, इसे मैंने भी पहना था, मेरे पे भी अच्छा हो रहा था। और एक ले आए वो आज अपने लिए टॉवल, टॉवल बहुत ही अच्छा है, इसका कलर भी अच्छा है, एकदम फुल साइज है, 400 के रेंज वाला है ये। वैसे उसने पैसे कुछ कम कर लिए थे, मतलब बिल्कुल बड़ा वाला साइज है, तो ये अपने लिए लेके आए। इनका टॉवल जो है काफ़ी पुराना हो गया था, ये भी बहुत अच्छा है इसका कपड़ा। और एक लेके आई मैं बहुत ही बेकार, इसको भी परसों लेके आए थे, इसने पहना भी था, जो आज मेरी वीडियो गई उसमें देखा होगा आपने कि प्राप्ति ने पहना था, और थोड़ी देर पहना उसके बाद गई ट्यूशन, तो ट्यूशन जाते समय उसने फिर पैंट पहन ली थी, इसको निकाल दिया था। और जब मैं लेके आई ना, तो मैं अपने लिए ला रही थी, मतलब लेने गई थी मैं सब्जी या कुछ ऐसे घर के सामान के लिए, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा आगे जाती हूँ, अपने लिए प्लाजो या लोवर कुछ भी मिले मेरे लिए तो एक गर्म में देखती हूँ, या कोई लेगिंग, तो मुझे तो कुछ मिला नहीं सही ढंग का। तो मैंने सोचा जब मैं अपने लिए नहीं ले जा रही, तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं प्राप्ति के लिए ले जाऊँगी, और मेरी प्राप्ति इसको देख के बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी, खुश हो जाएगी, मम्मी कैसे ले आई मेरे लिए। लेकिन जैसे ही मैंने बैग से निकाला, देखा प्राप्ति ये क्या है, तो प्राप्ति बोलने लगी, किसने कहा आपको इसको लाने के लिए, छी कितनी घटिया से पजामे लेके आए आप अपनी मर्जी से लाते क्यों हैं, बोला एकदम बकवास बेकार है। तो देखो ऐसे हैं आजकल के बच्चे। और थोड़ा पहना उसने फिर निकाल दिया, इतनी गर्म पजामी है घर पहनने के लिए ना, घर में पहनने के लिए क्या बुरा है, अच्छा है, गर्म भी है, लेकिन भलाई का ज़माना तो है ही नहीं। और मैं ऐसी हूँ, मैं कुछ भी अच्छा करूँ ना बाद में ऐसे ही बोलते हैं बच्चे, चलो कोई नहीं पीहू बड़ी होगी तो पीहू पहन लेगी। तो इनको रख देती हूँ एक साइड में, कल धूप सुखाऊंगी उसके बाद दूंगी फिर बच्चों को। और अभी बनाती हूँ डिनर, ये 7 बजने वाले हैं, और मार्केट से आते समय पीहू ने कहा था कि जलेबी ले लो, तो हम लेके आए थे जलेबी। और आते ही ना गर्मा गर्म जलेबी ना खाओ तो तुरंत ठंडी हो जाती है, अगर तुरंत ना खाओ, और ठंडी जलेबी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो आके फटाफट करके हाथ मुँह धो के, तो हमने चेंज भी नहीं किए थे कपड़े, तो पहले खा रहे थे यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी, तो बाकी के काम तब कर लेंगे, क्योंकि मैंने कहा फिर ठंडी हो जाएंगी, और थोड़ा पास में ही ली थी हमने, तो मैंने कहा यहाँ पे मत खाओ बाहर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे खाना खड़े खड़े, तो घर में ला के आराम से हम यहाँ पे खा रहे थे। और पीहू को चाहिए था दूध, पता नहीं क्या उसका मन कर रहा था, आज मैं जलेबी को दूध के साथ खाऊंगी, तो वो खाई के दूध के साथ। और यहाँ पे मैं प्लेट में सबके लिए रख रही हूँ, तो आराम से खाएंगे यहाँ पे जलेबी, आप लोग भी खाइएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं जलेबी, तो हफ्ते में 8-10 दिनों में एक बार ला लेती हूँ। और जहाँ से मैं जलेबी लाती हूँ वो बहुत ही अच्छी जलेबी बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद आती है वहाँ की जलेबी। और यहाँ पे प्राप्ति पढ़ाई कर रही थी, तो पहले वो मना कर रही थी कि मैं अभी नहीं खा रही, थोड़ा गुस्सा हो गई थी, मैंने उसे डांटा, मैंने कहा कौन से कहीं आने जाने के लिए, वह घर में पहनना है तूने जो मैं पजामे लेके आई, तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं। और एक वो ज़माना था जबकि माँ बाप अपनी पसंद से अपने बच्चों की शादी तक कर देते थे, बच्चों की उनमें कोई पसंद नहीं होती थी, आजकल के बच्चे हैं इनको, इनके लिए तो माँ बाप अपने पसंद का एक कपड़ा तक भी नहीं ले सकते हैं,
सभी बच्चे ऐसे हो गए भाई, हर चीज़ अपनी पसंद की चाहिए इनको। एक जोड़ी चप्पल तक भी अपनी पसंद की नहीं ला सकते, नहीं खुद की पसंद का लाएंगे, तो ऐसे हो गया ज़माना। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहनना है तो पहन ले, नहीं तो रहने दे, पीयू बड़ी होगी वो पहन लेगी। उसके पास एक दो ही पजामी थी ना गर्म, दो या तीन थी, तो मैंने कहा एक ले लेती हूँ मैं। कभी कभी होता है कपड़े धो रखे तो एक एक्स्ट्रा तो चाहिए, तो इसलिए लेके आई थी मैं। कोई नहीं आया उसकी पसंद। और यहाँ पे सबको देने के बाद मैं भी खा रही थी जलेबी, और टाइम भी काफ़ी हो गया था। उसके बाद मैंने डिनर बना, 6:30 से ऊपर हो गया था शायद टाइम, और उसे जुकाम भी हो रहा था प्राप्ति को, बहुत ज़्यादा छींकी आ रही थी उसे इतनी ज़्यादा, क्योंकि कपड़े नहीं पहनते। और देखो उसने भी पैंट पहन रखी है, पैंट में तो आजकल बहुत ठंडा लगता है, और बस एक हाफ बाजू की टॉप पहनी और एक हुड पहन लिया बाहर से, तो इनर वगैरह गर्म कपड़े जितने भी दोनों बच्चों को पहनते ही नहीं कि ज़्यादा कपड़ा, जैसे सॉक्स पहनना, टोपी तो सिर में बिल्कुल नहीं रखते। पीयू तो रख लेते, वो छोटी है, कभी डरा डरा के डांट डूंट के, लेकिन ये दोनों नहीं रखते। और मौसम कल से ठंडा है तो उसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, इतनी छींकी आ रही थी उसे। और रात को देर तक पढ़ाई कर रही थी, 11:30 बजे तक मैं बैठी हुई थी उसके पास, थोड़ा मैंने टीवी देखा उसके बाद मैं बैठी हुई थी, फिर मैंने कहा सो जा, लाइट बंद कर दे। उसने कहा मैंने अभी पढ़ना है, मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम है कल, तो मैंने उसके लिए चाय बनाई, फिर मैं सो गई थी। तो वो पता नहीं कब तक पढ़ाई कर रही थी। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते तो उनको चिंता हो जाती है, और पीयू है तो पीयू को पेपर के टाइम पे बोल बोल के पीयू पढ़ो पढ़ो ऐसे होता है। तो यहाँ पे नाइट को मैंने पूरा स्लेब साफ़ कर लिया था, खाना बन गया था, क्योंकि इवनिंग के टाइम पे मैंने साफ़ नहीं किया था, चाय वगैरह बनाई थी, और दोपहर के बर्तन भी नहीं धोए थे, ऐसे ही थे, वो भी मैंने अभी रात को धोए। और ये सेम और आलू की सब्ज़ी है, बस थोड़ी सी है, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाई मैंने, बस इतनी सी बनाई। और हमारे लिए है दाल, बची हुई दाल थी तो हम उसी को गर्म करेंगे, और थोड़ा सा सुबह के आलू के गुटके भी थे, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी बहुत कम बनाई, रोटी भी बन गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने फटाफट करके स्लेब साफ़ कर दिया था। और दिन के बर्तन थे, थालियाँ वगैरह सारे बर्तन शाम को चाय के, तो वो मैंने धो लिए थे, और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तब तक मैंने बर्तन वगैरह धो लिए। मैंने कहा इसके बाद फिर डिनर करेंगे आराम से, फिर बाद में ज़्यादा बर्तन जाएंगे डिनर के भी दिन के भी। और ये देखिए यहाँ पे तीनों की तीनों बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी प्यू रानी को भी जो है ना जुकाम लग गया था, वो भी लगी हुई थी नाक साफ करने में। और प्यू के साथ जब बैठो तभी पढ़ती है, अगर मैं काम करती रहूँ तो नहीं पढ़ती है। तो गाइज अब वीडियो का एंड कर लेती हूँ मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।